हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा और आज अपनी कर्ज से करोड़ तक की कहानी आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी साइकिल पर स्कूल पढ़ाने जाया करती थी और हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। एक बहुत ही हम्बल बिगनिंग, पर बस पेरेंट्स सिखाते थे बच्चा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी करनी शुरू करी और फिर मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हो गई। मैं शादी होकर के दिल्ली आ गई। मेरा ससुराल मेरे पीहर से थोड़ा बेटर था। फादर इन लॉ मेरे जिंदल पॉलिस्टर में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, मदर इन लॉ सिंपल हाउसवाइफ थी। तो बस मुझसे भी कहा गया अब तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, घर पे बैठो सिंपल हाउसवाइफ का रोल प्ले करो। और बस मैं वो ही कर रही थी। फिर घर गृहस्थी, बच्चा भी जल्दी आ गया और ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इस सब में मेरा दिन गुजरता था। और मैं कहूँगी कि मैं सचमुच खुश थी। हमें हमेशा से सिखाया गया था, बेटा जितनी चादर है उसने पैर फैलाओ, बेटा जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे पास खास है, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। और डेफिनेटली मैं बहुत खुश थी। पर दोस्तों कुछ तो था, कोई कर्ज तो मुझ पर था और उस कर्ज को उतारने का मेरा दिल भी था, अरमान भी था, इरादा भी था। और क्योंकि उस कर्ज को मैं चुकाना चाहती थी इसीलिए आज करोड़ तक पहुंची हूँ। आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ये ताकत है, मोदी केयर की ये ताकत है कि निशांत और मैं आज थ्रिल्ड हैं। हमारी इनकम अक्टूबर मंथ की इनकम जो है वो 8 digit क्रॉस कर गई है। हर नेटवर्कर का सपना होता है करोड़पति बनना, महीने में हर महीने करोड़पति बनना हर नेटवर्कर का सपना होता है। और अगर आज इस सपने को पूरा करके मैं आज आपके सामने बैठी हूँ तो इसी विश्वास के साथ कि जो हमारा आज है वो ही आपका आने वाला कल है। पर ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई कर्ज मुझ पर था और वो कर्ज बहुत भारी था। मैंने उस कर्ज को चुकाने का फैसला किया तो मैं यहाँ आ गई। और वो कर्ज खाली मुझ पर नहीं है, वो कर्ज आप सब पर है। हर किसी पर ऐसा कोई ना कोई कर्ज चढ़ा होगा और अगर उस कर्ज को आपने सीरियसली ले लिया, उसके भार को महसूस किया, तो आज आपका भी मन इतना ही हल्का होगा इसी सफलता को पाकर के जो मैंने और निशांत ने पाई है। क्या क्या कर्ज था आइए बताती हूँ। सबसे पहला कर्ज तो मानव योनि का कर्ज था। भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, जिस भी सुपर नेचुरल पावर में आप बिलीव करते हो ना, आप 64 करोड़ योनियों को छोड़ करके मानव योनि में आए हो ना, तो मानव बने हो, वो ह्यूमन बीइंग, हमें सपने देखने आते हैं, हमारे पास सपने देखने की ताकत है, उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत हमें दी गई है। तो सबसे पहला जो हमारा कर्ज होता है ना वो मानव योनि के प्रति होता है। जिस जन्म को हमें प्राप्ति हुई है उसको पार पाना है, उसको उबारना है, उसको उतारना है, तो सफल बन करके दिखाना है। हम कोई भैंस बकरी तो बन करके पैदा नहीं हुए ना कि पानी में छपड़ छपड़ करो, जुगाली करो, पूंछ से मक्खी उड़ाओ और बस जैसे आयो वैसे चले जाओ। जब मानव योनि में जन्म ले लिया तो सफलता पर हमारा हक है। और ये बात मैंने बहुत जल्दी महसूस करी थी, तब जब सिर पर घूंघट था, बगल में छोटा सा बच्चा था और दिन भर वो धनिया पुदीना मेथी साफ करा करती थी ना, तब भी मैं ये सोचा करती थी कि सुरेखा भार्गव तू कुछ बेहतर करने के लिए बनी है, सुरेखा भार्गव तू कुछ बेहतर करने के लिए बनी है। अगर नहीं बेहतर कराना होता तो तुझे मानव योनि मिलती ही क्यों। और जब मानव योनि मिली है और दूसरे लोग कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना रहे हैं, तो तू भी अपनी सार्थकता ढूंढ और कुछ करके दिखा। तो मानव योनि के प्रति आपका कर्ज है जो आपको चुकाना है। मुझे चुकाना था, ये मेरे पे भारी था। दूसरा कर्ज आता है माता पिता का। माँ जिसने दूध पिलाया है, दूध का कर्ज चुकाए बिना इस दुनिया से चले गए ना तो फिर दुनिया में आकर के कुछ नहीं किया। माँ का दूध का कर्ज सिर्फ खुश रह करके चुकाया जा सकता है। एक माँ अपने बच्चे से और कुछ नहीं चाहती है, वो चाहती है बच्चा खुश रहे। और खुश रहने के लिए जो बेसिक सुख सुविधाएं वो तो पूरी होनी चाहिए। जो आपके सपने हैं, अगर उन सपनों के लिए कुछ नहीं कर रहे होगे तो कैसे खुश रहोगे। जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे होंगे तो कैसे खुश रहोगे। तो माता का कर्ज चुकाना था मुझे, उस दूध का कर्ज चुकाना था मुझे और उसका वजन मुझ पर था, इसलिए मैं ज़िंदगी में कुछ खास करना चाहती थी, सफलता पाना चाहती थी। मैंने वो माँ का कर्ज चुकाया है, कोई नहीं चुका पाएगा। हम ज़िंदगी भर उस दूध का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, पर जो कुछ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि ज़िंदगी भर हम खुश रह सकते हैं। और उसके जो दिल आए वो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम्स परस्यू करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कर्ज था पापा का कर्ज। पापा ने कभी बेटी बोला ही नहीं, हम तीन ही बहनें हैं, भाई हमारे कोई है नहीं, पर पापा ने कभी बेटी बोला ही नहीं। वो हमेशा से कहते थे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे। मुझे उनका नाम रोशन करना था,
हम सबको अपने माता पिता का नाम रोशन करना होता है, वो हम पर कर्ज होता है। वो दुनिया में लाए, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, उन्होंने वो संस्कार दिए, उन्होंने हमें बनाया है, उनका नाम रोशन किए बिना इस दुनिया से जा नहीं सकते। तो माता पिता का कर्ज होता है, मेरे पर पापा का कर्ज भारी था। मुझे वो 10,000 लोग उनके लिए ताली बजाएं, वो दिन एक दिन उनको दिखाना था। वो 10-15-20,000 लोग मेरे लिए ताली बजाएं, वो दिन उनको दिखाना था। और फ्रेंड्स, ये कर्ज मेरे पर भारी था, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था और इसलिए आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। फिर अगला कर्ज मुझ पर था मेरे सास ससुर का, जिन्होंने अपना बेटा मुझे दिया और जिन्होंने मुझे मैं कुछ कर सकती हूँ मेरे पे विश्वास किया, मेरा साथ दिया। मेरे पे मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ का, मेरे अप्लायंस का कर्ज था। मुझे पता था मैं सफल होंगी तब ही जो इन्होंने मुझे साथ दिया है वो साथ पूरा पड़ेगा, वो तब ही उस साथ को मैं सार्थक कर पाऊंगी। वो कर्ज मुझे चुकाना था, उनके विश्वास को पूरा करके दिखाना था। वो कर्ज मेरे पर था, वो मेरे पर भारी था। फिर बात है, मेरे पर अरुण भार्गव जी का कर्ज था। अरुण भार्गव जी हम दो बिल्कुल विपरीत पर्सनैलिटी, हम दो बिल्कुल अलग व्यक्ति, अलग इंसान, अलग परिवेश में बड़े हुए लोग और एक साथ आ गए थे और उन्होंने चोली दामन जैसा साथ बना दिया था। उन्होंने मेरे हर सपने को अपना मान लिया था और हर मेरे एक्शन में अपना साथ दिया था। जब मैं मोदी केयर में आई, जब मैं मोदी केयर में लगी, तो उन्होंने जो मैंने कहा एक ही बात कही, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कभी एक शब्द नेगेटिव नहीं बोला और बस बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे कंधे से कंधा मिला करके करते चले गए थे। तो फ्रेंड्स, उनका कर्ज तो उतारना था, फिर मुझे इस मेरी कंपनी का, मुझे मोदी केयर का कर्ज उतारना था। फ्रेंड्स, जब मेरे पे किसी ने विश्वास नहीं किया था ना, जब मुझे खुद पर भी, मुझ पर भी विश्वास नहीं था ना, उस समय समीर मोदी जी ने कहा था कि मैं एक आम हिंदुस्तानी पर विश्वास करता हूँ। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं तुम लोगों के सपने पूरे करने में मदद करूंगा, बाकी कर तो तुम खुद लोगे, तुम में काबिलियत है। उन्होंने जो हम पे विश्वास किया था, उस विश्वास का कर्ज उतारना था। जो के मोदी जी ने हम पर भरोसा रख करके दिन रात एक कर दिया था, उस विश्वास का कर्ज उतारना था। जब अरुण जी बीमार पड़े, मेरे हस्बैंड की जब तबीयत खराब हुई, वो सालों साल मैं बिजनेस नहीं कर पाई, मैं काम नहीं कर पाई, मैं सिर्फ उनकी सेवा कर रही थी, उस समय भी हर महीने मोदी केयर मेरे घर जो लाखों के चेक भेज देता था ना, जो पैसिव इनकम इस बिजनेस का जो बेनिफिट होता है, वो जो मैंने तब देखा था ना, उस पैसिव इनकम ने जो मेरी मर्यादा बचाई थी ना, उस मर्यादा के कारण मेरे पर बहुत बड़ा कर्ज था अपनी कंपनी का। और फ्रेंड्स, हम अपनी कंपनी का जिंदगी भर कभी कर्ज नहीं उतार सकते, सिर्फ एक ही तरीके से उतार सकते हैं कि लगातार प्रोग्रेस करें और अपनी कंपनी को प्रूव करें कि हाँ, इस कंपनी के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो वो कर्ज मेरे पर भारी था, कर्ज बहुत सारे थे मेरे पास। फ्रेंड्स, सीधी सी बात कुल मिलाकर के इतनी है, इस कर्ज का वजन मैंने महसूस किया था। फिर मेरे पर कर्ज था मेरे बेटे का कर्ज। उसने मुझे माँ बनाया था, उसने मुझे ममता का एहसास कराया था, उसी ने मेरे वो जो दबे हुए सपने थे ना, उन दबे हुए सपनों को जगाया था। और दुकान पर जाकर के, हर दुकान पर जाकर के जो सबसे महंगी चीज़ होती थी ना, जब उसको पढ़ना भी नहीं आता था ना, तब दुकान पर जाके जो सबसे महंगी चीज़ होती थी ना, वो पसंद करता था। उसने मुझे सिखाया था कि कैसे हम जब सोचेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पालेंगे, और लाइफस्टाइल क्या होती है, महंगी चीज़ें कितनी खूबसूरत लगती है। जब मैं उसके लिए किसी तरह से इंतजाम करके उसको पहनाया करती थी, उसको जूते पहनाती थी, कपड़े पहनाती थी, पता चलता था कि भैया पैसा डालो तो बात तो बनती है। उसने मुझे पैसे की इंपॉर्टेंस बताई थी। 167 रुपये का पहला चेक आया था और ये 8 डिजिट इनकम की जब बात यूट्यूब पर करने की सोची ना, तो पहले सोच रहे थे कि नहीं नहीं इनकम के बारे में बात नहीं करो, पर दोस्तों आज ये दिन तो आया कि पहले सोचा करते थे कि जो इनकम है वो दिखाने में शर्म आती थी, आज जो इनकम है वो बताने में झिझक हो रही है कि क्या बताएं या नहीं बताएं। यही ताकत है इस इंडस्ट्री की, ये इंडस्ट्री आपका हर सपना पूरा कर सकती है, सब कुछ करा सकती है। तो जो एक बहुत बड़ा कर्ज आप पर होता है ना, वो इस इंडस्ट्री का होता है। इस इंडस्ट्री को प्रूव करके दिखाना है, लोग इस इंडस्ट्री का नाम सम्मान के साथ लें, लोग इस इंडस्ट्री को गर्व के साथ देखें, लोग इस इंडस्ट्री में आते ही अपने सपने बड़े कर दें। ये हम सब नेटवर्कर्स के ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को सिर्फ और सिर्फ बड़ी सफलता के साथ चुकाया जा सकता है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर नहीं आए हो तो तुरंत इस इंडस्ट्री में आ जाओ, और अगर आ गए हो तो एक अच्छी सी कंपनी सेलेक्ट करो, एक फ्यूचर फोकस रखो और लगातार मेहनत करके अपनी सफलता से इस इंडस्ट्री के कर्ज को चुकाओ। वो एक बहुत
बड़ी जिम्मेवारी हमारी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में अब आ गए हो ना, अब सफलता हमारा हक भी है और सफलता ही हमारा दायित्व भी है। ये कर्ज है हम पर, और जब हम इस कर्ज को चुकाने की जिम्मेवारी ले लेते हैं तो कर्ज से करोड़ तक चले ही जाते हैं। तो इंडस्ट्री के प्रति इस जिम्मेवारी को समझिए और साबित करके दिखाइए, अपने ऊपर से उठ करके, अपने ऊपर से आगे जाइए। आपका मूड नहीं, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस हर एहसास से ऊपर उठ जाओ और नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत है उस ताकत को सही साबित करके दिखाओ। आपके डाउनलाइंस के प्रति आपकी जिम्मेवारी होती है। जब आप सक्सेस प्रूव करते चले जाते हो, आप रोल मॉडल बनते हो, आप इंस्पायर करते हो, तो जो आपके डाउनलाइंस हैं, जो कि आपको देख करके, जो कि इस बिजनेस में आए थे, जिन्होंने सपने देखे थे आपसे, उनके सपनों पर लगातार उनका विश्वास बढ़ता रहता है। तो जो डाउनलाइन का कर्ज है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, डाउनलाइन का कर्ज ना सिर्फ खुद का चेक कमा करके नहीं उतारा जा सकता। डाउनलाइन का कर्ज जो सिंसियर, मेहनती, लगातार कंसिस्टेंट डाउनलाइन है ना, उनके बड़े बड़े चेक्स ला करके चुकाया जा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जब मैं मेरे 8-digit चेक पर बैठी हूँ तो न जाने लाखों रुपया कमाने वालों की लाइन लग गई है। सब हर सिंसियर डाउनलाइन जो है वो मेरे साथ सक्सेसफुल है और हर किसी को पता है कि अगर आज मेरा 8-digit आ गया है तो कल उसका 8-digit आ जाएगा। ये विश्वास लगातार बनाए रखने का जो कर्ज है, ये चुकाना जो है, ये सचमुच एक बहुत खूबसूरत एहसास है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, नो डाउट तपस्या तो है, रातों रात नेटवर्क मार्केटिंग में लॉटरी तो नहीं निकल जाती, कोई जादू से तो कुछ नहीं हो जाता। मेहनत है, संघर्ष है, तपस्या है, साधना कह सकते हो आप इसको, साधना है। पर एक बात बताओ ना, जो अभी ये पाया है मैंने, इसके आगे क्या कर लिया होगा, क्या कर गुजरी होंगी कि मेरा हक बनता है कि मैं इतना पाऊं या मैं इतना कमाऊं। ये मेरी ताकत नहीं है, ये ताकत इस सिस्टम की ताकत है, ये ताकत मोदी केयर की ताकत है। आप भी जरूरी है इस सिस्टम की ताकत को समझें और बस दिल लगा करके नेटवर्क मार्केटिंग करें, लगातार करते चले जाएं। अगर आपने कर्ज चुकाने का फैसला कर लिया तो कर्ज से करोड़ तक का ये ही सफर एक दिन आपके लिए भी सच बन करके खड़ा हो जाएगा। बट एक बात है जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, अब एक और कर्ज है जो मैं उतारना चाहती हूँ, जो मैं चुकाना चाहती हूँ, और वो है मेरा ये YouTube के जो फॉलोअर्स हैं, इनकी सफलता का जो कर्ज है। आप मेरे को फॉलो करते हो, आप मेरे पे विश्वास रखते हो, आप मुझसे सीख रहे हो, सीख करके इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना ही प्रॉमिस कर सकती हूँ, आप बड़े से बड़ा सपना देखो, जितना मैंने कमाया है ना, वो जैसे कमाया है ना, जो भी मुझे आता है ना, सब कुछ मैं अपने सेशंस के थ्रू आपको सिखाती चली जाऊँगी। आप सिर्फ उन्हें अपनाने का, उन्हें बिल्ड करने का, तभी तो मैं बार बार कहती हूँ बिल्ड वेल्थ टू बिल्ड वेल्थ। फ्रेंड्स, सब कुछ आपके हाथ में, जो मुझे आता है सब कुछ मैं आपको सिखाते चली जाऊंगी, उसको इम्प्लीमेंट करना और मेहनत करना। मैंने मेहनत करी है, मैं आपको मेरे हर सेशन में एक बात कहती हूँ कि मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द शॉर्टेस्ट कट टू सक्सीड। कुछ साल हार्ड वर्क कर लो, जिंदगी भर के लिए आराम पा सकते हो, खुशी खुशी करोगे। मैं आज भी कर रही हूँ, पर सब कुछ खुशी खुशी कर रही हूँ, पैसिव इनकम कमाते हुए कर रही हूँ। जितनी बड़ी है, जो 8-digit इनकम है, खाली ये इनकम नहीं है, ये पैसिव इनकम है। अगर आज मैं ये काम करना बंद भी कर दूँ ना, ये चेक कम नहीं होगा, ये इनकम कम नहीं होगी। तो ये 8-digit की पैसिव इनकम की स्टोरी इंडस्ट्री की ग्रेटेस्ट स्टोरी है, और अगर ये आपको मोटिवेट करती है तो कुछ कर्ज आप भी अपने सिर पर चढ़ा लो, उसका भार महसूस करो और फ्रेंड्स आगे बढ़ते चले जाओ। और एक कर्ज है जो आपको डेफिनेटली मेरा उतारना है। आज ये कर्ज से करोड़ तक का सेशन मैं कर रही हूँ। एक इरादा बनाओ, एक फैसला करो कि एक दिन ये कर्ज से करोड़ तक का सेशन आप करोगे। बिलीव मी, आप में से जिस किसी ने इस सेशन को डुप्लीकेट करने का इरादा बना दिया, वो कर्ज का वजन अपने ऊपर, अपने सिर पर चढ़ा दिया, तो ये करोड़ तक के सफर का ये मंजिल, ये माइलस्टोन आप भी अचीव कर पाएंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी शुभाशीष के साथ और बहुत हर्ष भरे दिल से आज सिर्फ यही कह सकती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तेरा शुक्रिया, गॉड तेरा शुक्रिया, पेरेंट्स आपका शुक्रिया, इन-लॉज आपका शुक्रिया, हर अपलाइन, हर डाउनलाइन, हर कंपनी। मैं खाली मेरी कंपनी की बात नहीं कर रही, समीर मोदी जी तो हमारे लिए भगवान हैं ही, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में ले आए, आज सारा हिंदुस्तान उनको कॉपी करना चाहता है, आज बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनको कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझा था, वो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आए थे।
फ्रेंड्स जो उन्होंने कर दिया है वो तो खैर मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगी, पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हर व्यक्ति का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस इंडस्ट्री को ताकत दे रहा है, जो अपने सपनों से ताकत दे रहा है, जो अपने डेडिकेशन से ताकत दे रहा है। और फ्रेंड्स हर डाउनलाइन, हर अपलाइन, हर लीडर, हर किसी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ, जो मेरा आज है वो आपका आने वाला कल है। तो बस जीत जाइए, पा लीजिए कर्ज से करोड़ तक का एक सेशन, ऐसे ही बना करके दिखाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझे खुशी है, मुझे पता है आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं, आप सफलता के रास्ते पर तेज़ी से निकल पड़े हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और मेरा प्रॉमिस बिल्कुल अटक है, जितना मुझे आता है उतना तो मैं सिखा दूंगी, और 8 डिजिट का चेक कमाना सिखाना तो मुझे आता ही है, तो उतना तो मैं सिखा ही दूंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट।